लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन के आइकॉन को जरूर दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मशरूम आटा बिस्किट की रेसिपी, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए मशरूम पापड़ और मशरूम नमकीन की रेसिपी लाऊंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबा दें। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही आसान रेसिपी लेके आया हूँ मैं, आप इसे घर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने 80 ग्राम शक्कर ली है और 5 से 6 बादाम लिए हैं, और इसमें 2 इलायची मैंने डाल दी थी, और इसे हमें पाउडर बना लेना है। तो मिक्सी में इसे ग्राइंड कर लें और इसका एक पाउडर बना लें। और गैस पे मैं यहाँ पे एक गंजी चढ़ा दे रहा हूँ जिसमें हमें बिस्किट को बेक करना है। तो ये नमक है, इसको मैं बार बार यूज़ करता रहता हूँ बेकिंग के लिए। तो आप नमक ले सकते हैं या रेत ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आप उससे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हम चढ़ा देते हैं और ढक के रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो ये हमारा प्री हीट हो जाएगी। और यहाँ पे 80 ग्राम मैंने बटर लिया है। तो जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है उसकी क्वांटिटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से मेज़रमेंट करके ले लीजिएगा। क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखिएगा, हमें बिल्कुल मेज़रमेंट के हिसाब से ही बनाना है। तो यहाँ पे मेल्टेड बटर लिया है मैंने, रूम टेम्परेचर में बटर था। और ये इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने शक्कर और बादाम का जो पाउडर बनाया था इलायची का, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो 80 ग्राम हमारा बटर है और 80 ग्राम ही हमारी शक्कर है। तो यहाँ पे दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे अच्छे बहुत अच्छे से फेंटना है हमें, बिल्कुल इसका क्रीमी टेक्सचर तक आने तक हमें इसे फेंटना है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखें कि हमें इसे अच्छे से फेंटना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी हमारी बिस्किट अच्छी बनेगी, अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो हमारी बिस्किट अच्छी नहीं बनेगी। तो जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मिक्स होने लगा है, ये बटर पूरा मेल्ट हो चुका है और बिल्कुल क्रीम के जैसे होने लगा है ये देखिए। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें वेनिला एसेंस डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ पे 10 से 15 ग्राम मैं मशरूम पाउडर ले रहा हूँ, ये ऑयस्टर मशरूम पाउडर है और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ 10 से 15 ग्राम मैंने मशरूम पाउडर ले लिया है। तो अब हम इसे ऐड करेंगे और इसमें जाएगी 20 से 25 ग्राम सूजी रवा, जी हाँ सूजी और रवा जाएगी इसमें 20 से 25 ग्राम, और 120 से 125 ग्राम इसमें जाएगा गेहूं का आटा। यहाँ पे आप मैदा यूज़ कर सकते हैं अगर आप मैदे की बना रहे हैं, यहाँ मैं गेहूं के आटे की बना रहा हूँ तो मैं गेहूं का आटा यूज़ किया है मैंने। और अब हम इसे इसकी एक डो बनाएंगे, अच्छे से सानेंगे हम इसे और अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को, और इसकी एक डो बना लेंगे हम। तो ये देखिए सब मिक्स हो चुका है। अब ये बहुत गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है थोड़ा सा, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिएगा, आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, बेस्ट रिज़ल्ट दूध में ही मिलता है। तो थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करें जिससे ये गीला हो जाएगा और आटा अच्छे से डो हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध मैं और ऐड कर रहा हूँ और हमारी डो बिल्कुल रेडी हो जाएगी ये मशरूम की, मशरूम बिस्किट बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए डो तैयार हो चुकी है। हमें टाइट डो तो बनानी है इसकी, बहुत ज़्यादा गीली ना रहे ध्यान रखिएगा। और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। तो आपको जिस साइज़ में भी बिस्किट खानी हो आप उस साइज़ के पेड़े बना सकते हैं, मैं मीडियम साइज़ की बना रहा हूँ जिससे वो जल्दी बेक भी हो जाएगी और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ इसे हमें हाथ की सहायता से राउंड करना है और फिर ऐसे प्रेस कर देना है। तो ये देखिए बिस्किट का शेप दे दिया मैंने इसे, आप चाहें तो इसके ऊपर एक बादाम काट के आधा रख सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे बिना उसके बना रहा हूँ क्योंकि मैंने शक्कर में ही बादाम पीस दिया था, तो बादाम का फ्लेवर ऑलरेडी आ चुका है। आप यहाँ पे काजू किशमिश जो भी रखना चाहें इसके ऊपर रख सकते हैं और जमा सकते हैं, तो वो दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली है बिस्किट की, और यहाँ पे एक प्लेट ली है मैंने जिसमें मुझे बेक करना है, और उसमें एक बटर पेपर रख के हल्का सा उसमें बटर लगा दिया है मैंने जिससे कि हमारी बिस्किट चिपके ना। और अब हम इसे बेकिंग के लिए रखेंगे, जो गंज हमने गर्म किया था रेत डाल के उसमें हम बेक करेंगे। हम यहाँ ओवन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी से ही इस रेसिपी को बना रहे हैं।
और ये थोड़ा सा मेरे से गिर गया था, कोई बात नहीं, गंजी बहुत गर्म थी तो मेरे हाथ से प्लेट छूट गई थी, मैंने इसे वापस से ठीक कर लिया है। और अब हम इसे 20 से 25 मिनट बेक करेंगे, तो हम इसे ढक देंगे और बिना खोले इसे 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम में बेक करना है हमें। 20 से 25 मिनट में ये बिस्किट रेडी हो जाएगी। तो गैस की फ्लेम आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने मीडियम रखी है, मीडियम टू हाई पे रहेगी। और 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं कि हमारी बिस्किट रेडी हो चुकी है। जी हाँ, हमारी बिस्किट रेडी हो चुकी है, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से बेक हो गई है, थोड़ी सी नीचे से ज़्यादा ही बेक हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उससे। तो यहाँ परफेक्ट बेक हो चुकी है हमारी बिस्किट, और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और 10 से 15 मिनट हम इसे ठंडा होने रख देंगे। तो यहाँ हमारी मशरूम बिस्किट रेडी हो चुकी है। आगे भी मैं मशरूम के और प्रोडक्ट्स लाऊंगा, प्रोडक्ट्स की रेसिपी लेके आऊंगा, जैसे पापड़ है, नमकीन है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए बिस्किट हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही प्रोटीन है इसमें, क्योंकि मशरूम में बहुत प्रोटीन होता है और यहाँ हमने इसमें मशरूम ऐड किया था, तो बहुत ज़्यादा ही प्रोटीन है इस बिस्किट में, रोज़ एक बिस्किट खा सकते हैं हम। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।